अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं दोबारा गेम में। तो मैंने गेम खोला था, क्लासिक लगाया था अपने दोस्तों के साथ। अब मैं खेल कोबरा के साथ रहा था, तुम लोगों को पता है ये खेल लेने देता है नहीं ना। तो फिर इसमें मैं अन्नों की तरह घुसूंगा, अन्नों की तरह मारूंगा जाके। इस चक्कर में दो चार दफ़ा नॉक भी जाता है आपका भाई, लेकिन मसला नहीं है क्योंकि हम मार देते हैं बंदे। अब यहाँ पर क्या होता है, हम इवेंट पर करते हैं, बंदे मिलते नहीं हैं तो वाला पार्ट में काट देता हूँ। अब इधर आता हूँ तो भाई एक कैंपर मिलता है मुझे, ठीक है, इसको यहाँ पे मारते हैं। बाहर एक और बंदा होता है, मैंने कहा मारूंगा, लेकिन मैंने बोला ना एक कोपरा मुझे मारने देता नहीं। खैर अब वहाँ से हम लोग निकलते हैं, हमारी गाड़ी वाड़ी फंस जाती है, हम लोग गाड़ी ढूंढने जा रहे होते हैं। तो मुझे बंदे देखते हैं स्क्वाड, और इनके एक बंदा दो बंदे गाड़ी लेके निकल रहे होते हैं। अब उन पर मैं स्प्रे दूंगा, लेकिन वो लोग रुक जाएंगे, और ना इनकी टीम फैली हुई होती है ना, और मुझ पर स्प्रे पड़ने लग जाता है चारों तरफ से। अब मुझे पता नहीं चल रहा होता कि गोलियाँ कहाँ से पड़ रही हैं मुझे, लेकिन इतने में फिर वो कोपरा भी जो होता है वो मुझे कवर वगैरह दे देगा, और इतने में ही मेरे यहाँ पे देखो किल भी चोरी होता है। यहाँ पे इस बंदे को मैंने इतना डैमेज दिया एमके से, मतलब मेरा किल है, लेकिन मुझे मुझे यही लगा कि भाई मुझे ही मिला होगा किल, एमके से मार रहा हूँ, हाईएस्ट डैमेज देती है। लेकिन पता चला कि भाई वो कोबरा साहब को मिल गया था किल, क्योंकि वो आपको पता है ना किल नहीं देने देते। तो इसलिए अब यहाँ से मैं इतना अन्नों की तरह खेलूंगा गेम, इतना अन्नों की तरह। अच्छा ये था, यहाँ तक तो फजूल फाइट्स थी, इसके बाद जो फाइट चुकी ना भाई, यकीन नहीं आ रहा था मुझे भी कि मैं स्नाइपिंग कैसे कर रहा था। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, बंदे नहीं मिल रहे, बंदों की तलाश में आते हैं। यहाँ से एक गाड़ी जाती हुई दिखती है, ठीक है, इस गाड़ी पे मैं स्प्रे देता हूँ, बहुत बेकार होता है क्योंकि आपका भाई ने पहला गेम खेला था ये दो चार हफ्ते बाद। अब वहाँ पे मेरा एक नंबर वन होता है, ठीक है, अब वो कोबरा था, मैंने बोला भाई कि अगर इसको मैंने अगर छोड़ दिया तो भाई ये ले जाएगा सारे गिल, ठीक है। तो मैंने बोला था अन्नों की तरह घुसूंगा। यहाँ पर मैं गाड़ी पकड़ता हूँ, चार बंदा होता है, मैंने बोला ऐसे की तैसे मैं घुस जाता हूँ ना। हम यहाँ पे भाई आपका भाई रोटेट करके राइट से जा रहा होता है, मुझे लग रहा होता है कि जो दो ये ब्लू वाले घर हैं इधर ही होंगे बंदे, मुझे पता नहीं था यहाँ राइट पे भी हो गया। अनएक्सपेक्टेड बंदा निकलता है, इसको मारते हैं, लेकिन ये काफ़ी लो कर देता है, और यहाँ पे और बंदे आ रहे होते हैं। हल्का फुल्का पैनिक होने लग जाता हूँ मैं, लेकिन कर आके भाई अब देखो ये इधर आता है, मैं इसको स्प्रे देता हूँ कि भाई आ जाएगा, अभी फिर पीछे ले आता। मैंने सोचा हेल्थ कर लूँगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं देता है, फिर आ जाता है, मैं पीक दे के इसको मार देते हैं। शुक्र है बंदा थोड़ा नू बड़ा सा था, उसको मैं देखा नहीं, तो मैं इसको यहाँ पर मार देता हूँ। अब यहाँ पर होता है कि ये लोग EWM चला रहे होते हैं, तो मैंने कहा था यार स्नाइपिंग चलाएंगे, ठीक है, स्नाइपर चलाएंगे। अब यहाँ से जो होगा ना गेम में आएगा मज़ा। अब यहाँ से मैं मज़े से लूट वूट कर रहा होता हूँ, मुझे दिखती है भाई डब्बे में फ्लेयर में उठाने आता हूँ, इतने में पीछे से कोबरा को ना टावर से वापसी पड़ने लगी थी। मैं कहता हूँ टावर पे बंदे कहाँ से आ गए भाई, वहाँ तो कोई बंदे ही नहीं थे। अब मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे हेल्थ वेल्थ करूँगा, देखो मैंने ये स्पीड अप कर दिया वेस्ट ना हो। और तो इसी बात पर अब तुम लोगों को करना पड़ेगा लाइक, ठीक है, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। आपके भाई ने ऐसी ऐसी चीज़ें वो कर दी थी फास्ट फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वो टावर वाले बंदे को मैं ढूंढ रहा होता हूँ, मुझे मिल नहीं रहा होता, ठीक है। अब मैंने कहा उस पर भी MK, मेरे पे भी MK वर्सेस MK हो जाए, लेकिन वो भाई इतना नूबड़ा वो देख ही नहीं रहा, तो फिर आपके भाई को यहाँ पे मजबूरन हार्ड स्कोप करना पड़ा था। अब यहाँ पे देखो हार्ड स्कोप हम करेंगे, अब वो इतनी सी जगह दिखाता है, ये पहला मैंने मिस कर दिया। अब मैं कहता हूँ डीट का बच्चा, वो भी डीट का बच्चा, मैं भी डीट का बच्चा, दोनों ने हार्ड स्कोप करके बैठे हुए ना, मतलब मैं हार्ड स्कोप करके बैठा हुआ था, वो नहीं, वो बाहर ही नहीं निकल रहा। अब वो इतनी सी पीक देगा, और जैसे ही वो भी पीक देगा ना, तुम लोग देखना जैसे उसको एक शॉट पड़ेगा, फिर उसकी हो जाती है यहाँ पर थोड़ी सी जाम, वो डर जाता है भाई मेरा। अब जैसे यहाँ पे डरता है, मैंने बोलता है ये मेरा टाइम है EWM उठाने का, अब आपका भाई जल्दी से पेटियाँ लूटने लग जाएगा कि EWM उठाओ। और इतने में यहाँ पे भाई दो तीन टीम्स और आ जाएंगी भाई, मतलब क्या यार, एक बंदा एक टीम से फाइट कर रहा है उसके बाद आ जाओ, लेकिन नहीं ये लोग आ रहे थे। अब यहाँ पर मैं EWM उठा रहा था, मुझे पता था ये मुझे मारेगा, तो आपका भाई यहाँ पर थोड़ी मूवमेंट शूवमेंट करने लग जाता है, थोड़ा बहुत गेम याद था कैसे खेलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे EWM उठाता हूँ, मुझे मार रहा होता है, मैं कहता हूँ वापसी निकल। अब जैसे इसको यहाँ पे EWM पड़ेगी, तो इसकी MK से हालत हो गई थी कि आप जैसे फिर इसकी EWM से हालत होगी। खैर इस गेम में मेरा एक हेड नहीं लगा EWM का, एक हेड, ठीक है। इसको जैसे ही मैं यहाँ पे एक गोली मारता हूँ, पीछे से दूसरी टीम आ जाती है, मैं कहता हूँ यार सबर रखो ना। अब इसको यहाँ पे जाते हुए शॉट पड़ता है, फिर ये दूसरा आता है, इसको भी यहाँ पे शॉट पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने कोबरा की किल चोरी की होते हैं, और जो सुकून मिलता है ना आया है, ये साला मेरे इतने किल चोरी कर चुका था जब, लेकिन इसको यहाँ पे मार के ना आपके भाई को मतलब बस सही है, पैसा वसूल बराबर ही हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे भाई वो लोगों को तो मार देते हैं मेरे नंबर दूसरे टीममेट्स टावर वाले को। अब यहाँ पे ऐसे ही अब हम लोग घूम रहे होते हैं, तो भाई बाइक दिखती है, इस पर बड़ा बेकार स्प्रे देता हूँ, एक गोली नहीं लगती, ठीक है। तो फिर हम निकालते हैं यहाँ पे EWM के, EWM से मारेंगे। अब यहाँ से बिल्कुल कन्नों से रह जाता है हेड शॉट से, बिल्कुल कन्नों से, बिल्कुल ना मतलब लगने वाला था, यकीन करो लग जाता, लेकिन लगा नहीं। अब जैसे ही हम इनको मार रहे होते हैं, मैं यहाँ पे एक और शॉट लूँगा, मुझे नीचे से साउंड आ जाता है कि घर में भी एक बंदा आ चुका है, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि हमारी पूरी टीम यहाँ पे थी, वो पता नहीं किधर से आया। अब मैं एक और शॉट लूँगा यहाँ पे, नहीं देखा तो मैंने बोला कोई बात नहीं, नीचे वाला बंदा है उसका किल उठाएंगे, इससे पहले जाके कोबरा उठाएंगे। मेरे दिमाग में यह था कि मुझे किल ही नहीं देगा, तो मुझे अपने किल खुद निकालना। अब मैं एक शॉट लेता हूँ, नहीं लगता, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, नीचे तो मेरा किल है ना, मैं यहाँ
यहाँ से सीधा जंप मार देता नीचे। अब मैं जाता हूँ फुल अन्नों की तरह, मुझे लग रहा होता है मैं फ्री फायर देते पे जाऊँगा बंदे में को डालूंगा। अब यहाँ मुझे लगता है इधर होगा बंदा, मैं फ्री फायर देता हूँ, उधर होता है बंदा और यहाँ पे भाई अपना काम हो जाता है। तो यहीं पे हमें कोबरा ही बचाता है फिर इन दी एंड। अब यहाँ पे मेरे भाई वाई वो कहें फिर वाले बंदे से फाइट लेने लग जाते हैं ना जो दूर थे। अब देखो यहाँ पे मैं इनको वन हिट दूंगा, दोनों को वन हिट दूंगा, लेकिन मुझे किल नहीं मिलेगा। यहाँ पे पहले नंबर 3 ने नॉक कर दिया, अब इसको दोबारा मैं हिट दूंगा, ये मेरा हेड नहीं लग रहा था इस गेम में, मैंने बोला ना इसको हिट दिया, मतलब भाई ये भी कल चोरी हो जाएगा, आपके भाई ने लगाया घोड़ा जो मिला ना इस इवेंट में, आपका भाई बना वो घोड़ा और हमने बोला भाई हम जाएंगे और हमें किल मिलेंगे, बस किल लेने थे, कुछ भी करो अन्नी वहाँ खेलना है लेकिन किल हमें चाहिए। आपका भाई यहाँ पे बूस्ट मारता है फुल, मैं बोलता हूँ कोबरा को मेरे साथ आ, वो कहता है भाई मैं दूर से कवर दे रहा हूँ तू जा, मैंने बोला चलो सेट। अभी होता क्या है यहाँ पे देखना सीन, मैं बंदों के मुंह पे जाके रुकता हूँ AWM देख, खैर ये थोड़ा पैनिक हो जाता है बंदा भी, तो उसको यहाँ पे हम निपटा देते हैं। मैं बोलता हूँ दूसरा बंदा तो मैं ही लेके जाऊँगा, दूसरा भी एक ले गया, दूसरा भी मैं लेके जाऊँगा, लेकिन नंबर 3 मुझे वो करने नहीं देता, वो यहाँ पे किल उठा देगा। तो यहाँ पे हमारी टीम मैनेज हो जाती है ना, फिर बंदे बंदे डेड हो जाते हैं, आपका भाई ना फिर AWM से शशके वशके मारेगा नॉक वाले बंदे को, फिर लूट शूट कर रहे होते हैं इतने में वहाँ पे कोबरा पे आ जाती है टीम। अब जैसे कोबरा भी टीम आएगी तो वो हो जाता है नॉक नूबड़ा, ठीक है नूबड़ा यार वो तुम लोगों को पता है ना। अब जैसे ही देखो हम यहाँ पे लूट शूट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई M24 लेके AWM से पंगे कर रहा है बंदे की क्रेट में, M24 थी तो स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर चल जाता है ना यहाँ पे इन लोगों से। तो खैर हम यहाँ पे लूट शूट कर रहे होते हैं, किट वेट लगाता हूँ मैं थोड़ी सी यार हेल्थ वेल्थ वापसी है, इतने में आ जाती है कोबरा पे टीम और सीधा उसको कर देती है नॉक। अब आपका भाई बोलता है यार जल्दी से इसको बचाना पड़ेगा। अब मैं होता हूँ दूर और गाड़ी आई होती ना तो दिख नहीं रहा होता, तो यहाँ पे स्प्रे अब तुम लोगों ने रेड करना है कैसा था। अब देखो आपका भाई यहाँ पे चुप हो गया था ताकि तुम लोग स्प्रे देखो, शायद बंदा लो होता है इसलिए जल्दी उतर गया, लेकिन खैर है कोई मसला नहीं। वहाँ पे नंबर 4 दूसरे उनके बंदे को गिरा देता है, लेकिन कोबरा को वो लोग पूरा फिनिश कर देते हैं, टाइम नहीं देते। अब इतने में क्या होते हैं पीछे इनका दूसरा टीम मेट आता है, वो पंगे करता है उसको यहाँ पे मार के। आपके भाई को यार चस आ रही होती है कि यार स्नाइपर चलानी चाहिए मुझे, मैं फजूल में अपने आप को असोल्ट समझता हूँ, मैं हूँ स्नाइपिंग किंग। अब यहाँ पे हम लोग जोन में अंदर आते हैं तो फिर इतने में पता चलता है नंबर 4 पे पीछे बंदे आ चुके होते हैं, फाइट वाइट कर रहा होता है वो, तो मैंने बोला भाई फिर कल चाहिए। आपका भाई जोन के बाहर जाता है बंदे मारने, बोले जोन के बाहर जाएंगे बंदे मार के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जा रहे होते हैं तो मुझे एक बंदा दिख जाता है कि भाई मैं यहीं पे गाड़ी रोकूंगा ओपन में, जो कि मेरी बहुत गलत आदत है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये इसको AWM का शॉट पड़ेगा, मैं कहता हूँ दूसरे बंदे भी होंगे, अब मैं गाड़ी लेके उनकी तलाश में निकलूंगा, लेकिन मुझे घंटा नहीं मिलता भाई, वो कोई मिलता ही नहीं है भाई, मैं ढूंढ ढूंढ के थक जाता हूँ, इसलिए मैंने ये जगह भी फास्ट फॉरवर्ड कर दी ताकि तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। भाई देखो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हम लोग, यहाँ पे बंदा मिल नहीं रहा। अब मैं कहता हूँ जोन में चलते हैं वापसी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा अपना IQ चलाता हूँ, हम अपना के ये चलाते हैं IQ के, भाई हम जाएंगे जोन में और हम लोग यहाँ पे फिर AWM से बंदे को स्पॉट करेंगे इसके बाकी टीममेट्स को। अब वो दिख नहीं रहे होते तो मैंने बोला यार चलो इसी को फिनिश करते हैं, जो कि मिस हो जाता है अगेन, कोई बात नहीं यार 2 हफ्ते बाद गेम खेल रहा बंदा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर यहाँ पे रनिंग बंदा जा रहा होता है, इसको भी शॉट मिस हो जाता है, फिर वो कोबरा अपना जानने लग जाता है कि भाई दूर तो मार दो थोड़ा, मैंने बोला भाई तू दिमाग नहीं खराब कर, तू शॉट वगैरह से अपना अपन खुद खेलेंगे। अब यहाँ पे फिर मैं उसको मिस कर देता हूँ, मेरा दिमाग घूम रहा होता है, आपका भाई ने यहाँ पे हार्ड स्कोप वगैरह कर लेगा, ऊपर से स्नाइपिंग थोड़ी समझ भी नहीं रही होती मुझसे क्योंकि मैं नहीं चलाता स्नाइपर यहाँ पे, लेकिन कर कर आके बंदे मार रहा था ये बहुत था, ठीक है ये बहुत था मेरे लिए, फिर मिस कर देता हूँ। मैंने बोला अब नहीं मिस करूंगा, नहीं इतना गंदा हार्ड स्कोप करता हूँ, इतना गंदा हार्ड स्कोप करता हूँ कि भाई बस छोड़ दो तुम लोग। अब यहाँ पे अपना टेंडा दिखाएगा और ये अबे आ जा पड़ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे मरता है, मेरे पास सिर्फ AWM में एक गोली बची होती है। इतने में भाई नंबर 3-4 पे दोबारा बंदे आ जाते हैं, मेरे भाई यार सवार रखो आ रहा हूँ ना यार आ रहा हूँ ना। अब मैं इन पे जाता हूँ सीधा, ठीक है गाड़ी लेके। अब मैं कहता हूँ दूर से रुक के एक बंदे को AWM से गिरा दूंगा, क्योंकि एक ही गोली बची थी, एक ही गिर सकता था, और बाकी उनको दूर से स्प्रे दे के हम ना कर देंगे। लेकिन होता क्या यहाँ पे भी दो टीम फाइट कर रही होती है, तो फिर आपका भाई यहाँ पे किल भी चोरी करेगा। अब एक बंदा होता है लोग लूट कर रहे होते हैं, इसको जैसे नॉक करता हूँ भाई दूसरा बंदा पता नहीं कहाँ से लपक जाता है, मेरे किल चोरी करने लग जाते हैं, लेकिन इतने में नंबर 3 उसको मार देते तो मेरे किल बच जाते हैं। अब लेकिन जो दूसरा के बंदा होता है वो किसी और ने नॉक किया था, वो इसी एनिमी ने नॉक किया था, तो फिर मैंने बोला भाई उसका किल तो मैं ही लूंगा, और यहाँ पे भाई आपका उसका किल लेता है बंदा। अब ये दोनों नॉक होते तो मैं समझ गया था इनका कोई तीसरा बंदा भी होगा जो जोन वोन में आ रहा होगा, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ यहाँ से नहीं मिलता, मैं कहता हूँ चलो क्लोज इन करते हैं, घर भर में छुपा हुआ हो शायद। अब जैसे मैं क्लोज इन करूंगा ना, मैं जाके देखूंगा कि भाई वो आ रहा होगा जोन के बाहर से, ठीक है। अब वो जोन के बाहर से आ रहा होगा, अब तुम उसकी बातें सुनना, जब मैं उसको नॉक करूंगा ना, जब मैं उसको मार दूंगा, नॉक नहीं डायरेक्ट मारता है बेचारा, आखिरी तो बंदा होता है। यहाँ पे मेरी फ्यूल खत्म हो जाती है, वो देखो जोन के बाहर से आते हुए दिखा, अब आपका भाई उससे जाके फाइट करेगा और फिर तुम लोगों ने बातें सुननी है। इतना डैमेज दिया इसको मैंने,
आपका यहाँ पे थोड़ा मजाक उड़ाता हूँ कि भाई इतनी गोलियां मार के भी नहीं मार पाई ये फलाना ढमकाना है, लेकिन फिर वो कुछ बोलती है उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ तो उसकी आवाज़ आती नहीं है ना मुझे। इतने में होता क्या है, मुझे वहाँ पे फिर मैं इनकी लूट वूट करने आता हूँ, फिर मुझे एयर ड्रॉप दिखता है, मैंने कहा वापसी EWM उठाएंगे, और फिर से वो जो हम कर रहे थे ना शुरू से बंदे मार रहे थे स्नाइपर से, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़ी चस आई हुई होती है EWM चलाने की, ठीक है। तो इतने में मैं कहता हूँ भाई वहाँ निकलेंगे वापसी, मुझे पता नहीं होता कि उधर बंदे होंगे, और फिर वहाँ पर मुझे सरप्राइज मिलता है, एक चार बंदा बैठा हुआ होता है और फिर मेरी टीम भी नली होती है, बच नहीं पाते, इस वजह से हमारा पूरा गेम यहाँ पे खप जाता है। तुम लोग देख लेना, और आपका भाई जा रहा है अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, और अगर कोई वॉइस ओवर मसला हो तो कोई मसला नहीं है यार, इंप्रूव करेंगे ऐसा ऐसा और कोशिश करेंगे कि वीडियो डालते रहें। चलो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Marked a location.